न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। बड़ी खबर पंजाब में, मोदी ने दिया चन्नी को जवाब। ऐसा कोई गांव नहीं जहां पर यूपी बिहार के भाई नहीं है, पीएम मोदी ने कहा। संत रविदास भी यूपी के ही थे, निकाल दोगे, पीएम मोदी ने पूछा। चुनावी हुंकार पीएम नरेंद्र मोदी ने पंजाब में भरी। 117 विधानसभा सीटें पंजाब में, बीजेपी के हौसले बुलंद की इस बार सत्ता में लौट कर आएंगे। कांग्रेस ने सरकार बनाई थी सन 2017 में। चुनावी दौरों का दौर लगातार जारी, इसी कड़ी में आज के दिन पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी। क्या कुछ कहा पीएम नरेंद्र मोदी ने, सुनिए आप। संत रविदास जी की जयंती मनाई है, संत रविदास जी की जयंती मनाई है। मैं जरा इन नेताओं से पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए संत रविदास जी कहां पैदा हुए थे? क्या पंजाब में पैदा हुए थे क्या? संत रविदास जी उत्तर प्रदेश के बनारस में पैदा हुए थे, काशी में पैदा हुए थे, और आप कहते हो उत्तर प्रदेश के भाइयों को घुसने नहीं दोगे, तो क्या आप संत रविदास जी को भी निकाल दोगे? क्या संत रविदास जी के नाम को मिटा दोगे? क्या भाषा बोलते हो तुम लोग? इतना ही नहीं, मैं जरा पूछना चाहता हूं, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहां हुआ था? गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहां हुआ था? पटना साहब में हमारे गुरु महाराज गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, और आप पटना में हुआ, बिहार में हुआ, और तुम कहते हो बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे, तो क्या तुम गुरु गोविंद सिंह महाराज का पान करोगे? वही चन्नी के भया वाले बयान पर गरमाई सियासत। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का चन्नी पर हमला, पंजाब के सीएम को कुछ पता नहीं। नीतीश कुमार ने कहा पंजाब के विकास में बिहार की बड़ी भूमिका है। नीतीश कुमार कह रहे हैं क्योंकि चन्नी जी ने यह कह दिया कि बिहार के लोग और यूपी के लोगों को लेकर उन्होंने बयान दिया। सीएम योगी ने भी इस पर किया, पीएम मोदी का भी बयान आपने सुना, और अब सीएम नीतीश कुमार ने भी कहा। मतलब नहीं है, बोल रहे हैं आप बिहार की कितनी बड़ी, बिहार के लोगों की भूमिका है पंजाब में ये पता है कि कितने लोग रह रहे हैं और कितनी सेवा किए हैं लोग, ये सब मालूम नहीं? हमको तो आश्चर्य लगता है कि इस तरह की बात कैसे लोग बोलते हैं। चलिए अब सीधे चलेंगे जालौन, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं, सुनिए आप। ये बीच में यहां पर आने का अवसर प्राप्त हो रहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी श्री छोटे सिंह चौहान जी के समर्थन में आप सबसे अपील कर सकूं। मैं इस अवसर पर एक बार तो सबसे पहले आपका अभिनंदन करता हूं, यमुना मैया को कोटि कोटि नमन करता हूं, और भाइयों बहनों मैं विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं अपने लोकप्रिय विधायक श्री नरेंद्र सिंह जादौन का, जो आज छोटे सिंह चौहान जी को समर्थन देने के लिए स्वयं मंच पर उपस्थित हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी के गठबंधन में एक सीट जाने के कारण श्री छोटे सिंह चौहान जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। निषाद पार्टी के चिन्ह पर और नरेंद्र सिंह जादौन जी उनको समर्थन देने के लिए स्वयं इस मंच पर उपस्थित हुए हैं। मैं उनको और उनके सभी समर्थकों का इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद भी देता हूं। कालपी से जुड़ी हुई समस्या का समाधान करने के लिए एक विधायक और एक जनप्रतिनिधि के रूप में वे लगातार कार्य करते रहे, निरंतर यहां की समस्याओं को शासन के सामने रखने, उनका समाधान करने के लिए उन्होंने बराबर प्रयास किया, और आज उसी का परिणाम है कि भाइयों बहनों सपा बसपा और कांग्रेस ने आपको 70 वर्षों तक बूंद बूंद जल के लिए तरसाया था, लेकिन अब आपकी अपनी डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
हर घर नल योजना को साकार करना प्रारंभ कर दिया। हर घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने का हम काम कर रहे हैं। हर घर नल योजना, कोई प्यासा नहीं रहेगा बुंदेलखंड की धरती पर, कोई प्यासा नहीं रहेगा। हर घर नल की योजना, हर घर तक आरओ जैसा शुद्ध पानी हर घर तक पहुंचेगा। और केन बेतवा नदी को जुड़ने दीजिए, यमुना मैया की कृपा तो होती ही है। केन बेतवा के जुड़ने के बाद बुंदेलखंड के हर खेत को भी पानी पहुंचेगा। ये बुंदेलखंड जो पिछली सरकारों के समय माफियाओं, पेशेवर अपराधियों और दुर्दांत डकैतों की अनैतिक और अराजक गतिविधियों का अड्डा बन गया था। डबल इंजन की सरकार ने, भाइयों बहनों आपने देखा होगा, डबल इंजन की सरकार ने उस बुंदेलखंड को विकास की इतनी योजनाओं के साथ जोड़ा है कि आज ये बुंदेलखंड हमारा जालौन से लेकर के चित्रकूट तक पूरा बुंदेलखंड धरती का नया स्वर्ग बनने की ओर तैयार खड़ा है। आज यहां पे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन रहा है। आज यहां पर हर घर नल की योजना लागू हो रही है। आज यहां पर डिफेंस कॉरिडोर भी बन रहा है। यही फर्क है, पिछली सरकार ने पेशेवर माफिया, अपराधियों, डकैतों को पाल करके जगह जगह तमंचों की फैक्ट्री लगवाने का काम किया था, लेकिन भाइयों बहनों हम तो डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं। यहां बनने वाली तोप और मिसाइल, जब जालौन का नौजवान और कालपी का नौजवान उस तोप पर बैठ करके भारत की सीमा पे जाकर के दुश्मन को चेतावनी देगा और तोपें गरजेंगे, दुश्मन के छक्के छूटेंगे और हर नौजवान कह उठेगा भारत माता की जय। आज वही तो कार्य करने के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। भाइयों बहनों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2017 के पहले क्या बिजली मिलती थी, राशन मिलता था, दवा फ्री में मिल पाती थी? आज तो आपने कोरोना कालखंड में देखा होगा, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ले लिया है? अभिनंदन आपका, बहुत बहुत अभिनंदन। भाइयों बहनों ये वैक्सीन कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई का प्रतीक है। थर्ड वेव का लड़ाई कब चली गई कोई पता नहीं, समाप्त। कोरोना को हम लोगों ने वैसे ही बोतल में, कोरोना के भूत को वैसे ही जिद के रूप में बंद कर दिया है, जैसे हमने पेशेवर माफिया और अपराधियों को प्रदेश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था, वैसे ही कोरोना को भी प्रदेश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। और भाइयों बहनों अब तक की किसी भी बड़ी महामारी में, किसी भी महामारी में एक बात देखने को मिलती थी कि बीमारी से तो मौतें होती ही थी, उससे कई गुना मौतें भूख से होती थी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना प्रबंधन इस कदर हुआ कि बीमारी से भी मौत न हो लेकिन भूख से तो एक भी मौत न हो। डबल डोज सरकार, डबल इंजन की सरकार डबल डोज राशन की दे रही है, दो बार राशन मिल रहा है ना। और भाइयों बहनों अब तो निषाद पार्टी का प्रत्याशी स्वयं थाली लेकर के आपके पास पहुंच रहा है, थाली लेके पहुंच रहा है। थाली में अनेक पकवान है लेकिन इनकी थाली में मछली गायब है। अभी पकवान की थाली यह भारतीय जनता पार्टी के सुशासन को ही प्रदर्शित करता है। चावल भी मिलेगा, गेहूं भी मिलेगा, दाल भी मिलेगा, रिफाइंड तेल भी मिलेगा और नमक भी मिलेगा। अंत्योदय परिवार वालों को 1 किलो चीनी भी मिलेगी। क्या ये काम पहले भी होता था क्या? 17 के पहले जो सरकार थी ना
और सिपाही खानदान की थी, सब खा जाते थे, सब डकार जाते थे। उनका तो नारा ही था कि सबका साथ और सिपाही खानदान का विकास। भर्ती निकलती थी, चाचा भतीजा वसूली में निकल पड़ते थे। कोई ऐसा काम जिससे प्रदेश का भला हो, चाचा भतीजा ढूंढते थे कहां से डकैती डालें, कहां से निकालें, और फिर विकास का कार्य ठप पड़ जाता था। आज जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन रही है, 2012 से 17 के बीच में ही बन सकती थी ना, उन्होंने नहीं बनाया। आज हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है, 2017 के पहले ही बन सकता था ना, उन्होंने नहीं बनाया। हर घर नल योजना 2017 के पहले ही बन सकती थी ना, उन्होंने नहीं बनाया। और हम लोगों ने तो ये भी तय किया है, हर नौजवान को टैबलेट और स्मार्टफोन भी देंगे। टैबलेट और स्मार्टफोन चेहरा देख करके नहीं, बीए कर रहा हो, बीकॉम कर रहा हो, बीएससी कर रहा हो, बीटेक कर रहा हो, बी कर रहा हो, नर्सिंग का हो, फार्मेसी का हो, आईटीआई हो, पॉलिटेक्निक हो, मेडिकल का हो, इंजीनियरिंग का हो, कोई भी छात्र हो, उन सभी छात्रों को हम टैबलेट और स्मार्टफोन भी देने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने अब तक जालौन जिले में, अकेले जालौन जनपद में हम लोगों ने लगभग 200 नौजवानों को दिया, और जब तक हर नौजवान को देने की बारी आती तब तक समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को कंप्लेंट कर दिया। बुंदेलखंड से अब पलायन रुक चुका है, सीएम योगी ने कहा। जनता को संबोधित करते वक्त ये कहा कि 5 साल में कई बार बुंदेलखंड का दौरा किया, पहले की सपा सरकार भी विकास कर सकती थी सन 2012 में जीतने के बाद, लेकिन उन्होंने नहीं किया और माफिया राज गुंडा राज चरम पर था बुंदेलखंड में, लेकिन बीजेपी की सरकार ने तस्वीरें बदल दी। बुंदेलखंड में पहले तमंचे बनते थे, सीएम योगी ने कहा। एक कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हमारे संवाददाता जसबीर सिंह से खास बातचीत की। इस दौरान पीएम और अरविंद केजरीवाल के निशाने पर उनको लेते हुए कहा कि पंजाब में कठपुतली सीएम बनाना चाहते हैं केजरीवाल, जो दिल्ली के इशारे पर चले। सुनिए आप। पटियाला में कांग्रेस की कंपेन करने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला पटियाला पहुंचे, बात करने की कोशिश करते हैं उनसे कि जो मनीष सिसोदिया ने कल बयान दिया है, क्या है उनका प्रतिक्रिया। हमारे साथ है इंडियन नेशनल कांग्रेस के सुरजेवाल जी, बात करते हैं। सुरजेवाल जी, कल सिसोदिया साहब यहाँ पे आए थे, उन्होंने बोला कांग्रेस और अकाली दल ने लूटा है और जितने पैसे उन्होंने लूटे हैं उनसे ले लो, पर वोट वो आम आदमी पार्टी को डालो, उसके बारे में आपका क्या कहना सर? सबसे पहले तो केजरीवाल जी जवाब दें, और सिसोदिया जी जो कुमार विश्वास जी ने कहा है कि क्या वो अलगाववादी ताकतों से मिले हुए हैं, क्या वो चोर दरवाजे से पंजाब के मुख्यमंत्री बनने की साजिश कर रहे हैं, या पंजाब की राजगद्दी पर दिल्ली की कठपुतली को बिठाना चाहते हैं, ये पंजाब विरोधी ठगी और षड्यंत्र है, पहले इसका जवाब दें बजाय बचकानी और उल जलूल बातें करने के। सर, ये थे सुरजेवाला जो विष्णु शर्मा की कंपेन करने के लिए पटियाला पहुंचे थे। कैमरामैन साहिल के साथ जसबीर सिंह। बड़ी खबर आ रही है हरियाणा में, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला रद्द किया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को ऑर्डर पास करने को कहा, नियुक्ताओं के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाने के निर्देश हैं। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला किया रद्द, हाई कोर्ट को ऑर्डर पास करने को कहा, यानी कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं, जो दफ्तर है, वहां पर दबाव अब नहीं आरक्षण को लेकर। चांदीवाला आयोग ने नवाब मलिक को दी बड़ी राहत, आयोग ने नवाब मलिक को दिए नोटिस को रद्द कर दिया। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, चांदीवाला आयोग ने नवाब मलिक को बड़ी राहत दी है। एक तरफ तस्वीरें आज के दिन की जब उन्हें राहत मिली, और दिए गए नोटिस को भी रद्द कर दिया गया आयोग की तरफ से। चांदीवाला आयोग ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को बड़ी राहत दी है, ऐसे में वकीलों का क्या कहना है,
बातचीत की हमारे संवाददाता ने, सुनिए आप। चांदीवाल आयोग के सामने आज नवाब मलिक पेश हुए, उनसे क्या उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया और क्या बातचीत हुई, इस पूरे बारे में बात करने के लिए हमारे साथ नवाब मलिक एडवोकेट हैं, एडवोकेट मोमिन सोलकर साहब। सब क्या हुआ एग्जैक्टली, जो आरोप आपको लगे थे, जो सचिन वजन आरोप लगाए, तो उसका क्या जवाब दिया आप लोगों ने? देखिए, मिस्टर मलिक के खिलाफ जो नोटिस इशू की थी कमीशन ने, उस नोटिस को उन्होंने आज डिस्चार्ज कर दिया है। अब उनको कमीशन के सामने आने की ज़रूरत नहीं है। जो एलिगेशन किया गया था मिस्टर वजे ने, कि जो मिस्टर मलिक ने जो स्टेटमेंट्स किए थे, वो जो है ये प्रोसीडिंग्स कमीशन के प्रोसीडिंग्स के बेसिस पे किए गए थे, और उन स्टेटमेंट से जो है उनके रेपुटेशन को जो है इफेक्ट किया गया है। तो हम लोग ने ये कमीशन से कहा कि जो भी उन्होंने स्टेटमेंट किए थे मिस्टर मलिक ने, उसका बेसिस ये कमीशन के प्रोसीडिंग्स नहीं थे, ना ही वो बेसिस उनके अनिल देशमुख जी के स्टेटमेंट पे थे। उन्होंने जो कहा था वो NIA की चार्जशीट के बेसिस पे कहा था, और जो है प्रेस में दूसरे रिपोर्ट्स आए थे उसके बेसिस पे कहा था। और ये जो हमारा स्टैंड थे वो कमीशन के सामने रखा गया, और उन्होंने नोटिस को डिस्चार्ज किया। और हमने कमीशन से ये भी कहा है कि आगे भी जो अगर हम लोग कोई स्टेटमेंट करेंगे, तो ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं करेंगे जो ये प्रोसीडिंग्स को इफेक्ट हो या इस कमीशन के प्रोसीडिंग्स के बेसिस पे स्टेटमेंट होंगे। देखिए, नवाब मलिक साहब ने एक गंभीर आरोप लगाया NIA के ऊपर कि NIA परमवीर सिंह को बचा रहा है, तो इसके ऊपर क्या आपके पास क्या सबूत है ये प्रूफ करने के लिए कि NIA बचा रहा है? देखिए, जहाँ तक आज का ये इशू था नोटिस का, इसके अंदर जो है ये इशू को नहीं रेस किया गया था कि परमवीर सिंह के को जो है वो लूज़ किया जा रहा है या उनको उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है। आज का जो नोटिस था वो सिर्फ इसी बेसिस पे था जो एप्लीकेशन वजे जी ने किया था, और जो दूसरे स्टेटमेंट्स हैं मिस्टर मलिक ने जो उन्होंने किए थे, उसके बारे में आप उन्हीं से पूछोगे तो बेहतर है। थैंक यू वेरी मच। ये थे एडवोकेट मोमिन सोलकर। साफ तौर पर एक बड़ी राहत है नवाब मलिक के लिए। इसमें मुंबई से कैमरा पर्सन अब्बास के साथ न्यूज़ इंडिया के लिए अरुण कौशल। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर बप्पी लहरी का अंतिम संस्कार हो चुका है। मुंबई के विले पार्ले एरिया में पवन हंस शमशान घाट में बप्पी दा को अंतिम विदाई दी गई। बेटे बप्पा ने बप्पी दा को मुखाग्नि दी। इस दौरान वहां मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गई। डिस्को किंग के नाम से मशहूर बप्पी लहरी का इलाज पिछले एक महीने से चल रहा था, लेकिन उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिल चुकी थी। इस स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याओं से जूझ रहे थे। आज पवन हंस शमशान घाट पर जान कुमार सानू, मीका सिंह, अभिजीत भट्टाचार्य, अलका याग्निक, भूषण कुमार, शक्ति कपूर और विद्या बालन समेत कई सितारे बप्पी दा के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे थे। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, आखिरी सफर की तस्वीरें, फैंस का जब हुजूम वहां पर दिखाई गया, लोगों का तांता कि कैसे आखिरी दर्शन हम करें बप्पी दा के। आखिरी विदाई के दौरान कई बड़ी बॉलीवुड हस्तियाँ भी वहाँ पर पहुँची और दिखाई दी। बप्पी दा को नमन। मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर जिनके जाने से संगीत जगत को एक बड़ा नुकसान हुआ। कुछ दिन पहले एक खबर ने हम सभी को झटका दिया था जब लता मंगेशकर हमें छोड़कर गई थी, लेकिन अब बप्पी दा ने हमें अलविदा कहा। तब से देखिए, मेरा अगर करियर शुरू हुआ है तो मैं जब कानपुर में था, तब से मैं अगर किशोर दा के गाने भी गाता था तो बप्पी दा के बम्बई से आया मेरा दोस्त वो भी गाता था, और प्यार मांगा है तुम इससे ना इनकार करो और चलते चलते गाने, तब मैं कॉलेज में जब पढ़ता था जूनियर कॉलेज में, तब से गाता हूँ। तो मेरे करियर जब से कॉलेज लाइफ से अगर मेरा करियर वो करियर शुरू हुआ तो उसमें भी बप्पी दा का बहुत बड़ा हाथ है। और जब मैं मुंबई में नया नया आया था, काफ़ी स्ट्रगल मैंने किया, ऑलमोस्ट 7-8 साल विदाउट जॉब, विदाउट मनी, विदाउट अर्निंग, तो बप्पी दा के सेक्रेटरी होते थे भरत भाई, उनका जब भी फ़ोन आता था मैं समझता चलो इस महीने का खर्चा निकल गया। बाबूजी, वो मुझे बाबूजी बुलाते थे भरत भाई, वो भी आज नहीं है। वो दादा का शो है सूरत में, दादा का शो है इधर, दादा का हैदराबाद, चलो आ जाओ। तो मुझे उसी टाइम कैलकुलेशन हो जाता था, चलो इस महीने का मेरा रोजी रोटी, इस महीने का खर्चा मेरा चल जाएगा। तो इतना बड़ा आशीर्वाद उनका था मेरे साथ, लेकिन उन्होंने ये गाना बहुत गलत साबित कर दिया कि कभी अलविदा ना कहना, लेकिन वो अलविदा कह के चले गए। ये बहुत गलत। बप्पी दा से मेरे घर जैसे संबंध थे। मेरी खुशकिस्मती है कि उनके चरणों में बैठ के मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली, काम करने का मौका मिला। लाइव इवेंट्स में वो मुझे बहुत बार उन्होंने मुझे मौका दिया कॉमेडी करने का। घर में परिवार में कोई फंक्शन होता तो वहाँ मुझे बुलाते थे, लहरी बंगलों पर हम लोग वहाँ पर पार्टी मनाते थे, म्यूज़िक होता था। और उसके अलावा काफ़ी सारे TV शोज़ में उनके साथ
काम करने का, और हम लोग बहुत जोक करते थे उनके ऊपर और बहुत हंसते थे, वो उनके गहनों पर जोक करते थे, उनके गानों पर जोक करते थे, उनके उनके डिक्शन पर जोक करते थे, लेकिन वो कभी भी वो उन्होंने कभी इस चीज़ का बुरा नहीं माना, हमेशा वो हंसते थे, इंजॉय करते थे, हौसला बढ़ाते थे। यही वजह है कि पपीता एक म्यूजिटर भी तो थे ही, सिंगर भी थे, लेकिन साथ में एक कह सकते ना गोल्डन एरा जैसे कहते हैं, वो एक आइकॉन थे हमारे हम सब के लिए। वहीं बप्पी लहरी के निधन पर हमारे संवाददाता शुभम पांडे से सिंगर मीका सिंह, फिल्म अभिनेता शक्ति कपूर और सिंगर उदित नारायण ने खास बातचीत की, सुनिए। हमारे साथ मशहूर संगीतकार मीका सिंह इस वक्त मौजूद हैं। मीका सर, जिस तरीके से बप्पी लहरी का जाना, एक ही महीने में लता जी स्वर्गवास हो गए, बप्पी जी के महीने में दो बड़े लेजेंड्स, दो बड़े सितारे जी, और हिंदुस्तान के चहेते जी, जैसे हम लता दी की बात करेंगे, वो तो कमाली सिंगर थे, नो डाउट उनके बारे में किसी सबको पता है जी। अब बप्पीदा इज़ ए सिंगर एंड कंपोज़र जी, और बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ एक्टर्स को बनाते हैं जी, सॉरी सिंगर्स को बनाते हैं म्यूजिक डायरेक्टर, बट ये पहले इंसान है जिन्होंने एक्टर्स को चांस दिया जी, मतलब बड़े बड़े एक्टर्स, अब मिथुन दा होंगे, गोविंदा जी होंगे, आई थिंक इनको गाने पे ही सारी बात बनी है, चाहे डिस्को डांसर हो या इल्ज़ाम हो। सो मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि उनकी आत्मा शांति दें, और मेरा भप्पा बहुत प्यारा भाई है मेरा। मीका जी, आपको लगता है कोई उनकी कमी पूरी कर पाए, जिस तरह से उन्होंने 80-90 के दशक में जिस तरह से गाने गाए? आई डोंट थिंक उनकी कमी पूरी कर पाएगा, बिकॉज इतने बड़े लेजेंड और इतना बड़ा साम्राज्य, इतना बड़ा म्यूजिक, आई डोंट थिंक वो कर पाएगा सर। कोई गाने की बात यही है कि हम उनसे इंस्पिरेशन लेके वैसे कुछ चार गाने बना लें, बट वैसा नहीं हो पाएगा। बप्पीदा जी, बप्पीदा, आपने बहुत कम उम्र में उनको देखना शुरू किया था जब वो गाने, कौन से गाने जो है आपको? मेरा गाना जब मैं बहुत 7 साल का था, आई थिंक 84 में फिल्म आई थी डिस्को डांसर्स का, उस पर मैंने डांस किया था जी, बट ना ही सिर्फ डांस, बहुत सारे अच्छे मेलोडीज म्यूजिक उन्होंने दिया। तो प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कल की घटना को लेकर भी जिक्र किया, लेकिन अब बड़ी खबर आ रही है भैया वाले बयान पर, सीएम चन्नी की सफाई आ गई है सामने। पंजाब पर सभी का हक है, सीएम चन्नी कह रहे हैं मैंने केजरीवाल के बारे में बात की थी, चन्नी ने कहा मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, सीएम चन्नी कह रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि बड़ा वोट बैंक है यूपी वालों का भी, बिहार वालों का भी, पंजाब में, इसलिए उससे पहले इन्होंने सफाई दे दी अपने बयान को लेकर। पीएम मोदी ने भी पंजाब में हमला किया और ये कहा कि पंजाब में यूपी और बिहार के हमारे सभी भाई आते हैं, उन्हीं से यहाँ की रफ्तार बढ़ रही है आगे, और ऐसे में उनको इस तरह का बयान उन पर देना ये सही नहीं है। और पंजाब पर सभी कहा गया, सीएम चन्नी ये कह रहे हैं, कहना चाहता हूं कल से मेरे एक बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। प्रवासी जितने पंजाब में लोग आए हैं आज तक, उन्होंने अपना खून पसीना लगाकर पंजाब को विकास के रास्ते पे तोड़ा है, और उन्होंने हमेशा विकास के लिए काम किया है, डेवलपमेंट में काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, और हमारा उनसे 9 मास का रिश्ता है और प्यार है और दिल से है, इसको कोई निकाल नहीं सकता। लेकिन कुछ मेरे बयान को इन्होंने अपने तरीके से पेश किया है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि जो दुर्गेश पाठक, संजय सिंह, केजरीवाल जैसे लोग बाहर से आकर खलल डालते हैं, मैंने उनके बारे में बात की है, लेकिन जो यूपी, बिहार, राजस्थान या जहां जहां से भी लोग पंजाब में हम आते हैं और पंजाब में काम करते हैं, पंजाब उनका भी उतना ही है जितना हमारा है, इसलिए इसको गलत तरीके से पेश करना सही नहीं है। मैं फिर कह दूं, प्रवासी हमारे प्यारे हैं, हम भी देश में जाकर प्रवासी हैं, बहुत सारे पंजाबी बाकी देश में काम कर रहे हैं, बहुत सारे बाहर से आकर हमारे पंजाब में काम करते हैं, उन्होंने राजमिस्त्री, फैक्ट्रियों में, कहां कहां बहुत अच्छा काम, और खेतों में हमारी खेती को उन्होंने कामयाब किया है। सो मैं सभी भाइयों से निवेदन करता हूँ कि केजरीवाल जैसे लोगों को अपने साथ जोड़कर मत देखें, ये लोग पंजाब में अराजकता फैलाने आए हैं, और प्रवासी पंजाब में विकास के लिए आता है। तो चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।